Assalamu alaikum and a very warm welcome to ECD classes. My name is Tawqirul Islam. I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Assalamu alaikum and a very warm welcome to ECD classes. My name is Tawqirul Islam and I welcome you to this Jammu and Kashmir General Knowledge series, jiska ye 6th lecture hone wala hai. अभी तक हमने 5 लेक्चर्स में फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम फ्लोरा एंड फौना को कवर करेंगे। ये एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर होगा एंड आई डोंट थिंक दैट यू विल फाइंड इसके अंदर जो कॉन्टेंट है एनी वेयर एक ही जगह पर। ऑब्वियसली मैं खुद तो कंटेंट जनरेट नहीं करूँगा, आई विल पिक इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट आई मेक श्योर कि मैं जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम मेरे इस सीरीज़ के पिछले 5 लेक्चर्स भी आप देखोगे, यू विल फाइंड दैट कोई भी बुक जो है वो आपको किसी भी बुक या किसी भी वीडियो में आपको उतना सारा कॉन्टेंट नहीं मिलेगा। एंड उस सब में से यू हैव बीन आस्क क्वेश्चन लास्ट, जैसे ग्लेशियर्स वाले लेक्चर में रिसेंटली जो आई गेस वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने ग्लेशियर पे एक क्वेश्चन पूछा था एंड उसमें मैंने लास्ट में वही सेम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था और सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग कि वो कौन सी वैली के पास में पड़ता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी SSB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप JKPSC के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर सीरीज़ है एंड आई होप दैट दिस विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप सुपरवाइज़र के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स बिगिन टूडेज वीडियो। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। जो इस लेक्चर का जो टाइटल है दैट्स फ्लोरा एंड फौना, तो विल स्टार्ट विद द फ्लोरा। फ्लोरा मतलब कौन कौन से प्लांट्स या ट्रीज जो है या कौन कौन से छोटे प्लांट्स, हर्ब्स, ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। वैसे ही फौना में आपके एनिमल्स आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। सो विल स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के नेचुरल वेजिटेशन की अगर आप बात करोगे तो उसमें यू विल फाइंड ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा, मतलब आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पेड़ मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें आप देखते हो कि आपको मर्ग्स देखने को मिलती हैं। मर्ग्स अगर आपको पता होगा, कश्मीर में मर्ग कहते हैं एल्पाइन पैस्चर को, या एक ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक मीडो, एक प्लेन एरिया जहाँ पे यूजुअली जो है जो पैस्चर होता है, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो है वो चराने के लिए लोग ले जाते थे पहले। जैसे आप गुलमर्ग सुनते हो, सोनमर्ग सुनते हो, तो बेसिकली ये जो है ये अल्पाइन पैस्चर्स है। अल्पाइन बेसिकली मींस अल्पाइन मतलब पहाड़ी, पैस्चर मतलब एक मैदान, एक मीडो, एक जहाँ पे यू नो जहाँ पे घास होगी, ठीक है। तो आपको लश ग्रीन मर्ग्स मिलेंगी, तो मर्ग याद रखना, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्पाइन पैस्चर्स को कश्मीर में क्या कहते हैं, उनको मर्ग कहते हैं। तो एवरग्रीन कॉनिफर्स, एवरग्रीन कॉनिफर का मतलब है कॉनिफर फॉरेस्ट या कॉनिफेरस ट्रीज, उन पेड़ों को कहते हैं जिनके नुकीले पत्ते होते हैं। अगर आपने देखा होगा जो जंगल जाते हो कभी, तो वहाँ पे यू विल फाइंड दोस पाइन ट्रीज जिनके वो नुकीले पत्ते होते हैं, उनको कॉनिफर्स कहते हैं। एवरग्रीन कॉनिफर्स मतलब ऐसे कॉनिफेरस ट्रीज जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जो ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन कॉनिफर्स ऑन द जेंटल स्लोप्स ऑफ हाई आल्टीट्यूड्स जो आपको मिलेंगे, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स, हायर मतलब माउंटेनियस रीजन्स में, जहाँ जहाँ पे स्लोप थोड़ा कम होगा वहाँ पे यू विल फाइंड दिस एवरग्रीन कॉनिफर्स। एंड फ्रॉम स्क्रब जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप देखोगे जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो यू फाइंड नीचे यहाँ सांबा के रीजन में या कठुआ के रीजन में पहले प्लेन आता है, फिर पहाड़ शुरू होते हैं और उन पहाड़ों को हम शिवालिक्स कहते हैं, जिनको फुट हिल्स भी कहा जाता है। वहाँ पे आपको स्क्रब जंगल्स देखने को मिलते हैं, उस रीजन में आपको स्क्रब जंगल्स मतलब जम्मू सांबा कठुआ के रीजन में आपको स्क्रब जंगल्स देखने को मिलते हैं। स्क्रब जंगल का मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं लेकिन जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होते, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो स्क्रब जंगल जैसे जंगल होते हैं जहाँ पे आपको छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, ये आपको फुट हिल्स में देखने को मिलता है, यानी शिवालिक्स को देखने को मिलता है। टू द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑन द साउदर्न स्लोप्स, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं जैसे एवरग्रीन को ऑपोजिट डेसिडियस होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जिनमें वो वाले पेड़ होते हैं जो कि जिनके पत्ते जड़ते हैं इन द ऑटम या फॉल सीजन में, जिनके पत्ते गिरते हैं उनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ये आपको साउदर्न स्लोप्स पे मिलेंगे शिवालिक्स और
पीर पंजल रेंज के, मतलब जो शिवालिक्स है उनके नीचे वाली साइड, और यहाँ पे जो पीर पंजल रीजन है पुंछ राजौरी में, उसके इस वाली साउदर्न साइड पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में वो ये है कि अल्पाइन पैस्चर्स को क्या कहा जाता है मर्ग में। इस स्लाइड का मकसद यही था कि आपको ये बताऊँ कि जम्मू एंड कश्मीर की वेजिटेशन जो है उसमें एक डाइवर्सिटी है, उसके फ्लोरा में एक डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के पेड़ मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, यानी पूरे एरिया का कितना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। सो दैट इज 47.8%। तो याद रखना टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 47.8%। अब टोटल जियोग्राफिकल एरिया जितना है उसका 47% जो है वो जंगल है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर हम जो मुजफ्फराबाद और मीरपुर और जो पुंछ का पार्ट है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, अगर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे तो 57% जो है वो फिर आएगा टोटल फॉरेस्ट कवर। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली दे विल आस्क, तो वहाँ पे आपको याद रखना वो 47.8 ही होगा, बिकॉज वो कहीं से इंटरनेट से उठाएंगे क्वेश्चन या खुद भी अगर फ्रेम करेंगे, खुद तो फ्रेम मुझे नहीं लगता करेंगे, और अगर उठाएंगे भी तो मोस्टली यू विल फाइंड 47.8%। अब आपके पास कोई बुक होगी जिसमें लिखा होगा मे बी 37-35 समथिंग, तो लेट मी टेल यू वो वाला डेटा सारा पुराना है। ये जो डेटा मैंने लाया है 47.8%, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से लाया है, एंड इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये सबसे लेटेस्ट डेटा है, सबसे ऑथेंटिक डेटा है, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस लेक्चर में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्टेट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही मैंने सारा डेटा लाया है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 47% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो मैंने आपको बताया 47.8%। और अगर हम पाकिस्तान में स्टेट कश्मीर को कंसिडर करेंगे तो ये 57% आता है, बिकॉज वो जो रीजन है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन है मुजफ्फराबाद पुंछ का थोड़ा सा हिस्सा और मीरपुर, ये तीन, ये जो रीजन है ये ज़्यादा जंगल ही है, तो जब उसको भी इंक्लूड करेंगे तो ये 57% बनता है। अगर हम कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, इंडिया के टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, तो उसका 2.63% इंडिया में है। और अगर टोटल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 0.64% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो सिर्फ पहला वाला है, ये जो आपको फिगर है ये आपको याद रखना है कि 47.80% इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत टाइप्स के ट्री स्पीशीज मिलेंगी, जिसमें वी हैव चीर, पॉपुलर जिसको आप कश्मीरी में फ्रेस्ट कहते हो या जिसको सफ़ेदा भी कहते हैं, देवदार, फर, पाइन, काइल, मलबरी, यानी मलबरी कहते हैं हम जिसपे सिल्क वर्म्स जो कल्टीवेशन में यूज होते हैं, एंड फ्रूट ट्रीज आपको अलग अलग मिलेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट यू विल फाइंड इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स भी, हर्ब्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना जिसको संगगुर या सगनागुर कहते हैं, इसके बाद अजवैन, अजवैन को इंग्लिश में हायोस्केमस कहते हैं। इसके अलावा वी हैव द डिजिटेलिस जिसको फॉक्स ग्लो कहते हैं इंग्लिश में, मैंथॉल, रूबस, रूबस को ब्लैकबेरी कहते हैं, आर्टिमेसीज, आर्टिमेसीज टेटवन इसको कश्मीरी में टेटवन कहते हैं, और आर्टिमेसीज का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो सारे ही साइंटिफिक नेम्स है, इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा तो अजवेन का आप नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम इट्स हायोस्केमस, एंड टेटवन, टेटवन पूछा जा सकता है, टेटवन एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम आर्टिमेसीज है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2021 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 47% जो है वो फॉरेस्ट एरिया आता है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि रफली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स आता है। और अगर हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर को कंसिडर करेंगे तो ये 21,386 किलोमीटर्स आता है। तो ये याद रखना आपके जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड है, जो कि 47% है टोटल एरिया का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कश्मीर का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कश्मीर, सिर्फ कश्मीर पार्ट का यानी कश्मीर डिवीजन का, वो है 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसमें से 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है
वो फॉरेस्ट एरिया है, यानी कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के कश्मीर डिवीजन का 50% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। ऐसे ही जम्मू का टोटल, जम्मू डिवीजन का टोटल एरिया जो है वो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और फॉरेस्ट एरिया जो है वो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी जम्मू डिवीजन का 45% जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। और अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल रफली 42,241, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो टोटल एरिया है वो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, जो कि 47% बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो एरिया है ये जियोग्राफिकल एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इनसाइड है, यानी इसमें हम मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ जो पाकिस्तान की साइड है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको भी कंसिडर करेंगे तो ये 2-3 हज़ार किलोमीटर और बढ़ेगा, तो ये रफली 45,000 किलोमीटर के आसपास आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर है या लद्दाख है। जम्मू एंड कश्मीर का 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लेकिन लद्दाख यूटी का जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बनता है। तो आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया 90 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें 90% जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, यानी ऐसे पेड़ जिनके कॉनिफरस यानी जिनके नोकीले पत्ते होते हैं, और जो 9.32% वो नॉन कॉनिफरस है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, यानी जो फॉरेस्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर में है, उसको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको यूजुअली ग्रेजिंग या कल्टीवेशन अलाउड होती है, और वो 87% है टोटल फॉरेस्ट कवर का। और प्रोटेक्टेड एरियाज या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो वाला फॉरेस्ट होता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जहाँ पे ग्रेजिंग या कल्टीवेशन अलाउड नहीं होती है, वो रफली 12% के आसपास है। तो टोटल जो भी आपको जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे है उसमें से 87% के आसपास आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको रफली अराउंड 12% है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, कहीं पे नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे उसके अंडर जो फॉरेस्ट आएगा वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएगा, तो वो 12% के आसपास है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 4,800 है, और टोटल जो बनता है 20,194 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करेंगे, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे टोटल 21,000 आ रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट में आया था। एंड इसमें और एक क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की इनटू वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये तीन टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट हैं जो कि 9,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट या मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो याद रखना वो ओपन फॉरेस्ट है इन जम्मू एंड कश्मीर। बाकी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर्स का है। अब यहाँ पे नीचे और एक यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, इसमें बताया हुआ है कि ऑल्टीट्यूड वाइज, यानी 0 to 500 meter ऑल्टीट्यूड, फिर 500 to 1,000 meter अबो सी लेवल, फिर मतलब कितनी हाइट पे फॉरेस्ट है, इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। और आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो लाई करते हैं 2,000 to 3,000 के बीच में, 2,000 meter to 3,000 meter के बीच में ये लाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। द मोस्ट ऑल्टीट्यूड वाइज अगर आप पूछोगे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में आता है, वो 2,000 to 3,000 meter में लाई करता है। मूव ऑन करते हैं हम, नेक्स्ट इज जो पूछा जा सकता है कि सबसे प्रिवेलेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी में फॉरेस्ट के लगभग इन्होंने 39 टाइप्स दिए हुए हैं। यू कैन सी 39 टाइप के अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप्स इन्होंने दिए हुए हैं, लगभग 39 टाइप। अब इन 39 में से सबसे ज़्यादा जो है वो है वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी दैट वो यहाँ पे 12% के आसपास यहाँ पे 15th नंबर पे लाई करता है। तो टोटल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, एक तो हमने पीछे देखा कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि लाइक वो वहाँ पे देंगे नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस स्क्रब, डेसिडियस
या शिवालिक चीर पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट या हिमालयन सब ट्रॉपिकल स्क्रब, इस तरह के दो चार ऑप्शंस देंगे। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट टाइप लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसमें कौन कौन से ट्रीज ज़्यादा लाइक होते हैं, वो होते हैं स्प्रूस, ब्लू पाइन और सिल्वर फर जैसे ट्रीज इसमें लाइक करते हैं। और ये जो है ये मैंने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट 21 से लिया था, जिसकी लिंक जो आपको PDF यहाँ से मिल सकती है। अगर आपके पास टाइम है तो PDF पे आपको यहाँ लिंक मिल जाएगी, यू कैन रीड दिस फ्रॉम देयर। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी होगी क्योंकि आपने कहीं से पढ़ा होगा और शायद आपको गलत भी होगा, ये जो मैं ये सेम डेटा जो है ये मैंने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट 21 से लिया है, रिपोर्ट 21 से लिया है। एंड यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे कम फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का दिया हुआ है इंक्लूडिंग मुजफ्फराबाद एंड यहाँ मीरपुर भी नीचे दिया हुआ है। यानी इस रिपोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने जो पाकिस्तान वाली साइड जो एरिया है जिसमें पुंछ का भी कुछ हिस्सा है उसको इंक्लूड किया है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो अनंतनाग में वी हैव 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स फॉरेस्ट एरिया, बडगाम में 343 है, इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स। अब आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स का तो याद नहीं रखना है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में फॉरेस्ट कवर है या विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मोस्ट फॉरेस्ट कवर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना दैट इज़ पुंछ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुंछ का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है इन सब में से। ये पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ जो मार्केट में बुक्स हैं उन्होंने डोडा लिखा हुआ है, बट डोडा का आप देख पा रहे होंगे वो 1486 है। अब वो क्यों डोडा लिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो डेटा था वो जब जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स नए जो हैं वो नहीं बने थे, जब किश्तवाड़ नहीं बना था, कुलगाम, बार जो गांधरबल, शोपियान, ये नहीं बने थे, उससे पहले का डेटा है। और तब डोडा के अंदर किश्तवाड़ आता था, तो डोडा, किश्तवाड़ ये जो है उस टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था एंड उस वजह से एरिया बनता था, फॉरेस्ट एरिया वो बहुत ज़्यादा बनता था डोडा का। लेकिन फिर जब अलग हुआ, यू कैन सी डोडा और किश्तवाड़ में डोडा का 1400 स्क्वायर किलोमीटर्स है और किश्तवाड़ का यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 1700, तो टोटल इन दोनों का मिला के फिर 3100 आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन वो पुराना डेटा है, याद रखना है आपको नया किस डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ पुंछ। और सबसे कम किसका है, वो श्रीनगर का है, 45 स्क्वायर किलोमीटर्स। कम तो नहीं पूछते, ज़्यादा ही पूछेंगे तो द मोस्ट, या पूछ सकते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पुंछ का है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते अलग अलग, अगर आप याद रखोगे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट मुजफ्फराबाद में है, अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो कुपवारा में, अगर हम इस साइड को इंक्लूड करेंगे। और अगर आप मॉडरेट को कंसिडर करोगे तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पुंछ में है और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा राजौरी में है। लेकिन ये तो नहीं पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, वो आपको याद रखना है, वो पुंछ का है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर पुंछ का है 2048 स्क्वायर किलोमीटर्स और श्रीनगर का सबसे कम है 45 स्क्वायर किलोमीटर्स। लिंक नीचे दी हुई है, जिसको पढ़ना है और डिटेल में वो जाके पढ़ सकता है। रफली 100 पेज की ये PDF है जिसको आप देख सकते हो, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब आप पूछोगे कि आज तो 24 चल रहा है, 24 तो कुछ नया चेंज हुआ होगा, फॉरेस्ट इतनी जल्दी नहीं बदलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे लेटेस्ट, इसके बाद कोई स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है, ये सबसे लेटेस्ट है और ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि कितना ही फॉरेस्ट बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुंछ का मैंने जो बताया कि पुंछ का बेसिकली अगर आपको पता होगा पुंछ लाइज हेयर, और यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि पुंछ की जो 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 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो यहाँ से है, एंड पुंछ को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बाइफरकेट करता है दो अलग अलग पार्ट्स में। एंड यू कैन सी ऊपर मुजफ्फराबाद का डिस्ट्रिक्ट तो सारा पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान की साइड है, मीरपुर भी सारा पाकिस्तान की साइड है, लेकिन पुंछ जो है वो आधा जम्मू एंड कश्मीर मतलब इंडिया की साइड है और आधा जो है वो उस साइड पाकिस्तान की साइड है। तो यहाँ पे जो डेटा है ये पूरे पुंछ को कंसिडर करके दिखाया गया है। अब लद्दाख की अगर बात करेंगे शॉर्टली मैं आपको बताऊँ, लद्दाख का टोटल जोग्राफिकल एरिया वो 168,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जैसे मैंने अभी बताया जम्मू एंड कश्मीर का 42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास है, इसलिए सबसे बड़ी यूटी जो है वो लद्दाख यूटी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो ओपन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो ओपन फॉरेस्ट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो लाई करते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा लेह डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट एरिया है, यू कैन सी इट, सबसे ज़्यादा
जो टोटल है वो 2200 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास का फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे 3000 से 4000 मीटर की हाइट में आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये मुझे लगता है आपको पूछेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ही पूछेंगे। अब यहाँ पे ये मैप है लद्दाख का, यू कैन सी लद्दाख यूटी ये पूरी है और जो नीचे बचता है वो जम्मू एंड कश्मीर है, इसीलिए यहाँ मैप से भी आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख यूटी का एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट है और ये जो बचा सारा बाकी वो लेह डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है इसमें आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट या जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ, बाकी जो लद्दाख में है लद्दाख में आपको बाकी फॉरेस्ट जो हैं वो आपको ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर हम ट्रीज़ की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है यानी फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ कौन सा दरख्त पाया जाता है तो वो है हिमालयन ब्लू पाइन। ये भी मैंने लिया है सेम उसी रिपोर्ट से, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से। तो याद रखना हिमालयन ब्लू पाइन जो है ये सबसे प्रिवेलेंट ट्री है इन द फॉरेस्ट। याद रखना है फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्री पाया जाता है जम्मू कश्मीर में वो हिमालयन ब्लू पाइन है, पाइन ट्री जिसको कश्मीरी में यारिकुल कहते हैं, या जो साउथ से होंगे वो यारिकुल कहेंगे, जिसको यर कहते हैं या यर कहते हैं, ठीक है, जिसको जिसकी जो लकड़ी होती है उसको कायुर कहते हैं, साउथ कश्मीर वाले कायुर बोलेंगे, जिसको कायल भी कहते हैं, लीम या चील, इस तरह के नाम भी इसी सेम दरख्त के होते हैं। एंड इसकी जो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पाइनस वैलिकियाना या वैलिचियाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट्स में या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दरख्त जो है वो हिमालयन ब्लू पाइन है। अब फॉरेस्ट के बाहर जो एरिया है यानी फॉरेस्ट के बाहर, फॉर एग्जांपल ऐसे शहरों में या गांवों में वो तो फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वहाँ भी तो पेड़ पाए जाते हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट के बाहर, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ट्री स्पीशीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़, मतलब शहरों में फॉरेस्ट के बाहर जो सबसे ज़्यादा पेड़ पाया जाता है दैट इज़ बिमल ट्री जिसको ग्रीविया ऑप्टिवा भी साइंटिफिक नेम जिसका ग्रीविया ऑप्टिवा है। तो बिमल इज़ द मोस्ट अबंडेंट ट्री स्पीशीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, और अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट ट्री स्पीशीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन रूरल एरियाज तो वो हिमालयन ओक है जिसको बंज या बन भी कहा जाता है, जिसको बंज या बन ओक भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, अगर ये दो तो मुझे लगता है ये पूछेंगे थोड़ा डेप्थ में है, लेकिन पिछला वाला जो हिमालयन ब्लू पाइन वाला मैंने बोला कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ वो हिमालयन ब्लू पाइन ही है। अब आते हैं हम थोड़ी अच्छी वाली क्लासिफिकेशन पे कि फॉरेस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के उसको हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली हमारे पास 5 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो वेजिटेशन जो जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, या मैं लद्दाख को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, उसकी अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे उसको हम ब्रॉडली 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। अगर आपको पता होगा ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, यहाँ प्लेन्स है नीचे, प्लेन्स के बाद फिर शिवालिक्स हैं, फिर आपको मिडल हिमालयाज, फिर आपको नॉर्दर्न हिमालय जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, फिर उसके बाद वी हैव द आपको फिर लद्दाख, ये जंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, और फिर लाइक कारोकरम, इस तरह की माउंटेन रेंजेस जितना जितना आप ऊपर जाओगे। और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू से जितना जितना आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाओगे उतनी जो हाइट है अबो सी लेवल वो बढ़ती जाएगी, यानी उतनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतना आप ऊपर जाते हो। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता ही होगी, यहाँ पे प्लेन्स है, फिर शिवालिक्स थोड़े ऊंचे पहाड़ है, उससे ऊंचे जो है वो मिडल हिमालयाज है, पीर पंजाल उससे भी ऊंचे है जो ग्रेटर हिमालयाज है, और फिर लद्दाख रेंज, कारोकरम रेंज, कारोकरम सबसे ऊंची है। तो ये एक आप मान सकते हो कि जितना आप ऊपर जाओगे उतनी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का जो फॉरेस्ट है या सबसे पहले टाइप के जो फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं उनको कहते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पाए जाते हैं अप टिल 1000 मीटर्स एबो सी लेवल। जब आप यहाँ से आते हो ना तो जहाँ तक 1000 मीटर की या 1 किलोमीटर या 1000 मीटर एबो सी लेवल जहाँ तक हाइट है, यानी यहाँ नीचे एक तो इस वाले रीजन में शिवालिक्स वाले रीजन में, यहाँ पे आपको चूँकि हाइट 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स के तक है या इससे ऊपर भी है, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक आपको जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें आपको लो स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्मॉल एवरग्रीन ट्रीज़ या श्रब्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट स्पीशीज़ हैं वो है ओलिव, बबूल, कीकर या ककर,
इस तरह के आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक घास भी पाई जाती है, स्पेसिफिक स्पेशल टाइप की घास जिसको खार कहा जाता है, जो मैंने शायद फिजियोग्राफी वाली वीडियो में पढ़ाया है। ये इंपॉर्टेंट है, खार अगर पूछा जाए तो खार याद रखना, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास, इट्स अ टॉल ग्रास और टॉल ग्रासेस दैट आर फाउंड इन द, जो आपको यहाँ नीचे शिवालिक्स और नीचे प्लेन्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा टाइप है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 1000 मीटर तक है, और फिर 1000 मीटर के ऊपर जब आप जाते हो अप टिल 2000 मीटर्स, तो उस वाले ऑल्टीट्यूड पे आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है चीड़ का पेड़, जिससे आपको फर्नीचर वगैरह आप बनाते हो, ठीक है। तो अब आ गए हम 2000 मीटर पे, और फिर 2000 मीटर से लेके या 1500 से या 3300 तक या 2000 लेके 3300 तक, मतलब इसी ऑल्टीट्यूड पे आपको जो पेड़ देखने को मिलते हैं ज़्यादातर ये कश्मीर रीजन में आता है, उनको हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है, या हिमालयन मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट भी इनको कह सकते हो आप, ठीक है। तो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो 2000 से लेके 3000 मीटर में लाई करते हैं, और अगर आपको बताओगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इसी 2000 से 3000 की हाइट पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं आपको, ओक ट्रीज या कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने मिलते हैं, लाइक पाइन, सेडर, सिल्वर फर, स्प्रूस एट्सेट्रा, इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो पीर पंजल माउंटेन रेंज है उसके नॉर्दर्न स्लोप्स यानी ऊपर वाली साइड जो स्लोप्स हैं वहाँ पे आपको द्यूदार, ब्लू पाइन्स और कुछ डेसिडियस श्रब्स देखने को मिलते हैं, और जो गुलमर्ग वाली साइड जो जहलम फॉरेस्ट डिवीजन है या लोलाब वैली साइड जो है वहाँ पे आपको सेडर, फर या स्प्रूस जैसे स्पीशीज देखने को मिलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना कि आपको ये फर के साइड पे पाया जाता है या सेडर स्प्रूस, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो किस हाइट पे पाए जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और फ्लैट जब हम फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा तो हमने स्टार्ट किया था 1000 मीटर्स तक, फिर 1000 से 2000, अब 2000 से 3000, ये हाइट है ये आपके मतलब कश्मीर वैली में एंटर करने से पहले जो पीर पंजल रीजन वगैरह है या इवन जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ पे इस तरह के पेड़ कश्मीर वैली के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं ऊँचे वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जो कश्मीर वैली है फ्लैट वैली वहाँ पे आपको पॉपुलर ट्री यानी जिसका जो कश्मीरी में जिसको कहते हैं फ्रेस्त वो पाया जाता है, चिनार जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लैटनस ओरिएंटलिस, विर विलो जिसे बैट बनता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेलिक्स एल्बा, इस तरह के पेड़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कश्मीर वैली के अंदर, और ज़्यादातर वो डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं यानी डेसीडियस ट्रीज होते हैं, यानी जो कश्मीर वैली में ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं वो ऑटम सीजन में अपने जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे लाइक आप लद्दाख जंस्कार वाले रीजन में उन पहाड़ थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यू विल फाइंड हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपको देखने को मिलते हैं लद्दाख रीजन में, जहाँ पे आपको जो ज़ेरोफाइटिक श्रब्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो पानी जहाँ पे काम होता है ना वहाँ पे यू सी लाइक दिस ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो पूछा जा सकता है फॉरेस्ट टाइप दैट इज़ सब अल्पाइन और अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सबसे ऊपर है मतलब 3500 मीटर अबो सी लेवल से भी ऊपर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सब अल्पाइन और अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो सब अल्पाइन होते हैं वो 3100 से लेकर 3500 मीटर तक, और अल्पाइन फॉरेस्ट 3500 से ऊपर की हाइट पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो ट्रीज पाए जाते हैं वो यूजुअली जूनिपर, पाइनस, सेबी, स्पाइरस या इस तरह के आपको डिफरेंट ट्रीज देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सब अल्पाइन रीजन में यानी 3100 से लेकर 3500 मीटर तक या 3000 या 3100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक आपको कश्मीर वैली के अंदर कुछ पैस्चर्स देखने को मिलते हैं, कुछ मीडोज देखने को मिलती हैं और उनको मार्ग्स कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, इसमें ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है। मार्ग आपको याद रखना है, मार्ग आपको अल्पाइन फॉरेस्ट या सब अल्पाइन फॉरेस्ट में मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रक्स देखूं तो यू विल फाइंड, अब मैंने आपको बोला कि सब ट्रॉपिकल ड्राई जम्मू एंड कश्मीर यूटी इंक्लूडिंग लद्दाख में आपको पांच तरह के फॉरेस्ट
फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट और सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट जिसमें आपको मार्गस देखने को मिलते हैं। अल्पाइन पैस्चर्स इनको मार्गस कहा जाता है। एंड इसके अलावा मैंने आपको बोला कि जो शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के फुट हिल्स में आपको स्क्रब फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आपको फिर जितना आप ऊपर जाओगे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको पीर पंजाल रेंज में भी देखने को मिलते हैं और लद्दाख में मेनली आपको जो है जेरोफाइटिक वेजिटेशन देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। और कॉमन ट्रीज की अगर बात करें तो जम्मू रीजन में यू फाइंड लाइक किकर, जिसको एकाशिया कहते हैं, किकर आपने देखो बबूल का पेड़ जो होता है ना कश्मीरी में जिसको किकर कहते हैं, बेर, शीशम, पीपल, बनियान, मैंगो, पाम, ये कुछ मैं बोल रहा हूँ जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा जो ट्रीज़ है वो ये पाए जाते हैं। कश्मीर में यू फाइंड चीर, देवदार, स्प्रूस, मेपल ओक, इसके अलावा चिनार, वॉलनट, पॉपुलर ट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं। लद्दाख में जो है जूनिपर्स, फर्स, इस तरह के ट्रीज़ आपको लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी स्लाइड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बोलूंगा जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, उनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्रोकस सटाइवस है। टेटवन में भी आपने सुना होगा, टेटवन जो है इसको आर्टिमिशिया एब्सेंथियम इसका साइंटिफिक नेम है। बाले कुर्थ ये और एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा वी हैव दतुरा, में भी आपने सुना होगा, दतुरा जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो दतुरा स्ट्रेमोनियम है। इसके अलावा वी हैव द नाग छतरी, वी हैव कहजबान, और गहजबान जिसको गहजबान या कहजबान कहते हैं ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है आर्नीबिया बेंथामी। इसके अलावा वी हैव द बमसूट, पायरस साइडोनिया, इसके अलावा वनपत्र और एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो स्किमिया एंक्विटिलिया है। इसके अलावा वी हैव जंगली जाने आदम, ये और एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा वी हैव द काकुल एंड पमचालन, पमचालन का साइंटिफिक नेम जो है वो रियम है, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें जो मेरे हिसाब से टेटवन आप याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम सबसे इंपॉर्टेंट जो है सैफ्रॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट ये याद होना ही चाहिए, क्रोकस सटाइवस। और इसके अलावा भी अगर पूछा जाए तो कहजबान का पूछा जा सकता है या पमसालन का पूछा जा सकता है, बाकी अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा लेकिन सैफ्रॉन का तो बहुत ही ज़रूरी है, वो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ मेजर ट्रीज पे जम्मू एंड कश्मीर में किस किस तरह की ट्री जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री पे, दैट इज़ द चिनार ट्री। कश्मीर रीजन में सबसे ज़्यादा जो पाया, मतलब कश्मीर रीजन में जो मेनली पाया जाता है, कश्मीर नाम में जो कश्मीरी में हम ट्री को बून कहते हैं, BOEN, या जिस तरह से भी आप स्पेल करोगे, बून इज़ द वर्ड फॉर चिनार इन कश्मीरी। चिनार ट्री जो है ये 100 फीट से लेके 100 फीट तक जाता है एंड इट कैन गो, इसकी जो गर्थ है वो 40 फीट तक जा सकती है। ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं। और सबसे और एक चीज़ जो है ये एक बहुत ही कूल ट्री माना जाता है, एक शेडी ट्री माना जाता है, नॉट उस तरह का शेडी ट्री मतलब ये शेड देता है। आप विंड जो समर्स में आप देखते हो कि इसके नीचे इफ़ यू सिट इसके नीचे तो यू विल फाइंड एक कूलनेस आपको फील होगी बाकी सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में। ये आपको कश्मीर वैली में हर जगह मिलेगा, 8000 फीट अबो सी लेवल तक ये देखने को मिलेगा। इसका जो बॉटनिकल नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लैटिनस ओरिएंटलिस, ये पूछा जा सकता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कश्मीर में हर जगह मिलेगी, ये आपको लेक्स में लाइक डल लेक में जो चार चिनार है वहाँ पे ये चार पेड़ है, सोनालंग जो डल लेक में है। इसके अलावा मुगल गार्डन्स में आपको शालीमार या निशात वगैरह जहाँ भी जाओगे यू विल फाइंड दिस चिनार ट्री। ये एक डेसिडियस ट्री है, मतलब ये ऑटम सीजन में इसके अपने पत्ते जड़ देता है। एंड चिनार जो है बेसिकली कहा जाता है कि ये ग्रीस से आया है, ये ग्रीस से लाया गया है, मेडिटेरेनियन रीजन से इसको लाया गया है। ऑटम सीजन में यू विल फाइंड चिनार जो होते हैं इट टर्न्स इनटू गोल्डन ह्यू, गोल्डन कलर हो जाता है इसके पत्तों का एंड एवरीथिंग अराउंड, लाइक अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा नसीम बाग वहाँ पे है, दैट लुक्स मैजिकल, वहाँ पे फिर इंस्टाग्राम पे रील वील बनाते हैं सब लोग एवरीवेयर, वहाँ पे नसीम बाग में इसके जो पत्ते होते हैं वो नीचे भी होते हैं ऊपर आप देखते हो तो यू फाइंड दिस गोल्डन ह्यू एवरीवेयर। तो वो फिर जब फिल्टर विल्टर लगाते हैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है,
तो लेट्स मूव ऑन। सिख स्क्रिप्चर्स में गुरु नानक देव जी जब कश्मीर आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने मटन के ब्राह्मण्स को एक चनार ट्री के नीचे ही मटन में एड्रेस किया था, और कश्मीर के जो हिंदूज थे वो इस ट्री को गॉडेस भवानी के से एसोसिएट करते थे, एंड इसलिए उसको भवानी भी कहते हैं, एंड वो कहते थे इस ट्री को इसलिए बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स जो है वो भुवन वाहिनी के नाम से भी पुकारते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि राज तरंगी जो कल्हना ने लिखी है वो उसमें एक वाटर ट्री का जिक्र हुआ है, उसमें एक वाटर ट्री का जिक्र हुआ है, और जो डिस्क्रिप्शन है वाटर ट्री की वो मिलती जुलती है बून के साथ। तो वाटर ट्री जो कल्हना की राज तरंगी में जिसका जिक्र हुआ है वो मिलती जुलती है किसके साथ, आपकी पून के साथ या चिनार के साथ, ठीक है। इसके अलावा सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है जो रूलर रहे हैं कश्मीर के, उन्होंने चिनार ट्रीज़ की प्लांटेशन को इनक्रेज किया था, और बहुत जगह पे उन्होंने ये चिनार के पेड़ लगाए थे। और एक ट्रिविया आप याद रख सकते हो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चिनार ट्रीज इन एशिया इज़ बिलीव टू बी इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, छितरगाम चाडोरा रीजन में वो लाई करता है, छितरगाम विलेज में, एंड इट इज़ बिलीव टू बी प्लांटेड बाई हज़रत सईद कासिम साहिब रहमतुल्लाहि अलैह, एंड इन 1374, तो यू कैन सी रफली अराउंड लाइक 650 ईयर्स पुराना ये ट्री है। बहुत सारे जो सेफ्स या सेंट्स या सूफीज या साधु थे पुराने ज़माने में, वो जब जो ये चिनार का ट्री होता था उसमें फिर उसका जो ट्रंक है वो अंदर से खाल जो है वो हॉलो हो जाता था, और फिर उसी में उसको बूनी उसको बोनी गोफ कहते थे, यानी गोफ कहते हैं केव को, तो जब वहाँ पे केव जैसी बन जाती थी ट्रंक में नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारे सूफीज या साधुज रहते थे और मेडिटेशन करते थे उसी के अंदर। जहाँ पे सिंध और वेतस्ता, सिंध यानी इंदस रिवर और वेतस्ता, वेतस्ता किसका नाम है, जहलम का नाम है, वेतस्ता जहलम और सिंध जहाँ पे मिलते हैं जो कि शादीपुर रीजन में, तो उसको बारामूला में उसको प्रयाग कहते हैं, एंड एक वहाँ पे एक चिनार ट्री है जिसको प्रयागिच बून कहा जाता है, एंड इट इज़ बिलीव्ड के जो 1990 से पहले जो कश्मीर के जो हिंदू थे वो अपने जो डेड होते थे, जो उनके जिन जो गुजर जाते थे उनके जो एशेज होते थे, उनकी जो अर्थी होती थी, उनके उनके जो मॉर्टल रिमेन्स रहते थे लास्ट में, वो फिर वहीं पे बहा देते थे। यूजुअली आप देखते हो लाइक मेनलैंड इंडिया में गंगा में उसको इमर्स करते हैं, वो वहीं पर करते थे प्रयागिच बून नाम की जगह पे जो शादीपुरी रीजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई नो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई जस्ट फील के पढ़ाने में थोड़ा मज़ा भी आता है, और इट्स शायद इन चीज़ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट आई थिंक, अगर आप ये पता भी होंगी, शायद हर कोई चीज़ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट आई हैव ट्राइड कि मैं ज़्यादातर लाइक आपको एग्जाम सेंटर की पढ़ाऊँ, बट कहीं कहीं पर शायद मैं थोड़ा लेफ्ट राइट माफ़ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो पॉपुलर ट्री कश्मीरी लैंग्वेज में पॉपुलर को हम कहते हैं फ्रेस्ट या फ्रेस FREST या फ्रेस्ट फ्रेस्ट, उर्दू में इसको सफ़ेदा कहते हैं, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक दिस, ये आपने देखा होगा, ये ट्री जो है ये आपको फ्रूट पैकेजिंग और प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये पूछा जा सकता है जो एप्पल होता है यानी जो सेब होते हैं, सेब को जब बॉक्सेस में पैक करते हैं तो उसके जो बॉक्स होते हैं वो इसी पॉपुलर ट्री से बने होते हैं, और प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री में भी यूज होता है बिकॉज ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, एंड वन थिंग दैट्स एसोसिएटेड विद इट कि एक हेल्थ हज़ार्ड है जो लेटली लाइक पिछले 10-15 साल में जो रशिया से आए हैं, रशियन पॉपुलर है, उनमें एक सॉफ्ट कॉटन जैसा एक लाइक अप्रैल मई के मंथ्स में एक सॉफ्ट कॉटन जो पोलन है उनका, वो फिर ऐसे फिर कॉटन उनका जो है वो हवा में ऐसे उड़ता रहता है, और उसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस होते हैं लोगों को। सो ये इसके साथ एसोसिएटेड एक चीज़ है कि जो पॉपुलर ट्री का पोलन है उससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस कश्मीरी लोगों को फेस करनी पड़ी है लेटली इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ विलो। विलो को कश्मीरी में विर कहते हैं, एंड जहाँ पे एक बहुत सारी क्लस्टर ऑफ विलोज होती हैं, बहुत सारी विलोज होती है, उसको विरवर कहते हैं या विडवर्ड कहते हैं। तो इस तरह की एक विरवर यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, या आपको ज़्यादातर जहाँ स्ट्रीम्स होती हैं कहीं पे जो लाइक छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनके किनारे पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ये जो विलो है ये मोस्टली वहाँ पे उगती हैं जहाँ पे पानी होगा, तो स्ट्रीम्स के बैंक्स पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये पेड़ जो है विलो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगता है, ये स्ट्रीम के किनारे पे उगता है, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है बैट बनाने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी बैट्स जो वर्ल्ड फेमस हैं एंड वो जो है उनमें यूज़ होता है विलो, ये आपको पता ही होगा, एंड एक एस्टैब्लिश्ड
क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में, जो मेनली जो है वो कहाँ पे है, संगम एरिया में, बिजबिहारा टाउन के आसपास वो एस्टैब्लिश है, जिसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। एंड इसके जो ड्राइड लीव्स हैं या स्टिक्स, यानी इसकी जो टहनियाँ होती थी, उनको काट के फिर सुखा के उनको बाश कहा जाता था, जो जलाने वगैरह के काम आते थे, ठीक है। और इसके जो ट्विग्स होते हैं या इसके जो लाइक टहनियाँ होती हैं, नरम होती हैं बहुत, और उनको कांगरी या बास्केट्स या चेयर बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड इसका अगर फ्रेश एक इसकी टहनी काटोगे आप, फ्रेश ट्विग काटोगे विलो का, तो इसको मिसवाक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग द टीथ, ठीक है। ये सब चीज़ें आई गेस आपको पता होंगी, बट फॉर दोज जो लाइक कश्मीर के बाहर रहते हैं, जम्मू वगैरह में, मे बी दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज देवदार। देवदार जो है, इसको सेड्रस देवदारा साइंटिफिक नेम है, या कश्मीरी साइडर भी इसको कहते हैं, ये इसको देवदार कश्मीरी में कहते हैं। इट लुक्स लाइक दिस, ये आपने शायद देखा होगा, ये जो है ये एक आइडियल वुड है फॉर मेकिंग फर्नीचर, बोट्स, हाउस बोट्स बनाने में देवदार जो है वो यूज़ होता है, रेलवे ट्रैक्स या डोर्स या विंडो फ्रेम्स बनाने में भी ये काम आता है। ये बहुत ही इट्स द बेस्ट टिम्बर माना जाता है, वो देवदार का ही। अब तो देवदार नहीं होता है उतना यूज़, लाइक अब तो शायद जो मैंने बताया आपको कि कायर यूज़ होता है, देवदार उतना यूज़ नहीं होता है, बट दिस यूज टू बी लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिम्बर जो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसकी यूटिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों कमाल की होती हैं, ठीक है। एंड पुराने ज़माने में जो कंस होते थे, कंस और पैडी हस्किंग मोटर्स, मतलब जब पुराने ज़माने में, अगर आपने शायद देखा होगा कि जिस टाइम पे हमारे पास लाइक मशीन्स वगैरह नहीं होती थी, तो मसाले वगैरह कूटने के लिए ना एक यूजली आपने शायद देखा होगा स्टोन का एक कंस होता था, उसमें फिर उसको कूटते थे, लेकिन पहले होता था देवदार का भी होता था वो स्टोन का वो कांस, उसको मोटर जिसको कहते हैं, मोटर एंड पैसल, ठीक है। मोटर मोटर जो होता था वो यूजुअली इसी का होता था, जिसमें पैड़ी को भी यानी आपकी दान जो है उसमें दान डालते थे और फिर ऊपर से जो है पीटते थे, और उसकी वजह से फिर उसमें से चावल अलग होते थे। जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो वो भी इसी का बना हुआ था। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू रीजन में, वहाँ पे आपको देवदार देखने को मिलता है। एंड हिंदूज़ जो है, हिंदूज़ बिलीव दैट फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा देवदार ट्रीज होते हैं, वहाँ पे दैट यूज टू बी द अबोड ऑफ एंशंट सेज्स जो लॉर्ड शिवा के साथ डिवोटेड थे, ठीक है। इसके बाद हिमालयन ब्लू पाइन, जो मैंने आपको बताया, दिस इज जो फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हिमालयन ब्लू पाइन, जिसको कायर कहा जाता है, या यारिकुल कश्मीरी में कहते हैं, कायर और यारिकुल या कायल लकड़ी भी जिसको कहा जाता है, जो इसके ऐसे पाइन्स होती हैं जिसको पाइन ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये भी विंडोज़ और विंडो फ्रेम्स, डोर्स, फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आता है। एंड दिस वन थिंग के ये ट्री जो है, इससे एक वाइट रेजिन भी निकलता है एंड ए पोर्शन विथ रेजिन जो है उस रेजिन को लिश कहा जाता है। पहले जो यूज़ होता था जलाने के काम पे, वो एकदम से जल जाता था, उसको मे बी आपने सुना होगा कश्मीरी में कहता ना कि हाई लिश लजिया या ऐसा कुछ, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लाइक लिश जो है वो जलाने के काम में यूज़ होता था, वो एक स्पेशल टाइप का रेजिन होता था जो इसी ब्लू पाइन से निकलता था। एंड कायूर जो है वो आपको गवर्नमेंट रन डिपोज से भी मिलेगा। ये जो है ये देवदार के कंपैरिजन में उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। एंड कश्मीरी में एक सेइंग है कि कश्यूर यार गो कायूर नार, यानी द बर्निंग चारकोल ऑफ द कायूर टिम्बर इज ए फ्रेंड ऑफ द कश्मीरी, यानी कश्यूर यार यानी कश्मीरी फ्रेंड गो कायूर नार, वो इसी कायर या ब्लू पाइन के से जो आग जलती है उसके जैसे होता है। इसकी आग बड़ी लाइक बहुत तेज़ होती है, इससे कश्मीर का जो यार होता है वो लाइक वो अपनी दोस्ती निभाता है, ऐसी एक सेइंग है कश्मीरी में, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेटल ट्री। नेटल में भी आपको कश्मीरी में पता होगा, नेटल प्लांट जो होता है, नेटल कहते हैं सोई जिसको हम कहते हैं, सोई जो बच्चों में होता है ना स्कूल में जब जाते थे, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे ना उनको वो सोई लगाते थे, फिर बहुत जलन होती थी फिर स्किन पे, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैं नेटल ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये वो नेटल प्लांट नहीं, ये नेटल ट्री है। इस चीज़ शायद आपने देखा हो जिसको कश्मीरी में ब्रिमिज कहते थे, एक बड़ा पेड़ होता है जिसमें ऐसी छोटी बेरीज लगी होती है और छोटे छोटे ऐसे इसके पत्ते होते थे, तो मे बी शायद आपने सुना होगा इसको। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेल्टिस ऑस्ट्रेलियस है, और ये ब्रिमिज जो है इसको कश्मीरी में ब्रिमिज कहते थे। अब ये एक्सटेंशन की कगार पे है, उतना ये अब नहीं पाया जाता है, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता था लाइक श्राइन्स वगैरह में, आपको ये देखने को मिलता था, ग्रेवयार्ड्स में आपको ये देखने को मिलता था, शायद आज भी किसी कब्रिस्तान में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला पेड़ इसको ब्रिमिज कहा जाता था, अब ये उतना नहीं है, इसको नेटल ट्री कहते हैं, ठीक है। हिमालयन सिल्वर फर, जैसे हमने ब्लू पाइन देखा है, ऐसे और एक पेड़ है हिमालयन सिल्वर फर जिसको कश्मीर में बुदुल कहते हैं। तो तीन तरह की टिम्बर आपको देखने को मिलते हैं, जब लकड़ी लाते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो तीन तरह के होते हैं
यूजली देवदार, कायुर और बदुल। बदुल जो होता है, देवदार इज द बेस्ट वन, बेस्ट लकड़ी, उसके नीचे होती है कायुर और उसके नीचे आपकी बदुल होती है। और बदुल क्या है, बदुल इज बेसिकली हिमालयन सिल्वर फर। ये जो है ये जो होती है ज़्यादातर कारपेंटर्स यही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू वर्क ऑन इन कंपैरिजन। इसकी क्वालिटी नहीं होती है कायुर की जितनी, लेकिन इस पर काम करना ईजियर होता है इन कंपैरिजन टू, ये सॉफ्टवेयर होता है इन कंपैरिजन टू द कायुर। ठीक है, ये जो है ये आपको गवर्नमेंट रन डिपोज पे देखने को मिलती है, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम में यूज़ होता है। एल्म, एल्म को कश्मीरी में ब्रेन कहते हैं, ब्रेन आपने देखा होगा इस तरह का पेड़ होता है, तो ये पूछा जा सकता है एल्म क्या है। एल्म इज अ ट्री जिसको ब्रेन कहते हैं, और यूजुअली 7000 फीट अबो सी लेवल के ऊपर ही ये आपको देखने को मिलता है। हिंदूज ऑफ कश्मीर इस ट्री को लॉर्ड गणेशा के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है ब्रेन को कश्मीरी में एल्म कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द बर्च, बर्च को वज्रपत्र कहते थे कश्मीरी में, ये पहले होता था। इसकी एक खास बात ये थी कि इसकी जो बार्क है जो है वो बार्क है वो पुराने ज़माने में उस पर लिखा जाता था, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह या रूफ्स जो श्राइन्स या बिल्डिंग्स के जो रूफ हो पुराने ज़माने में इसी के बार्क से वो बनाए जाते थे। इसका बार्क होता है वो थिक होता है और यूजुअली वो लाइक इस पेड़ से अलग हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। हिंदूज ऑल्सो यूज दिस बार्क इन वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो इसकी पेपरी प्लेट्स होती हैं बार्क की जिसके लिए ये फेमस था, बर्च ट्री जिसको बर्च पत्थर कहते थे, ये बुर्जा ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वी हैव द फॉल्स विच हेजल, फॉल्स विच ट्री जो है इसको कश्मीरी में हतब कहते हैं, हतब ट्री। ठीक है, ये जो है ये ज़्यादातर आपको जो लेडल्स होते हैं लाइक पुराने समय जो करछी वगैरह होती है ना, अगर आपको पता कश्मीरी में जब वाजवान होता है ना, तो जब वहाँ पे चावल बनते हैं ना, तो वो जो चावल बनाने वाला होता है वो लकड़ी की वो करछी ढूंढता है, लेडल दैट्स मेड अप ऑफ वुड, और वो यूजुअली द बेस्ट वुड जो आप लाइक किचन वेयर या किचन का सामान या करछी वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ किया जा सकता है दैट इज़ दिस हतब ट्री की जो लकड़ी होगी उससे बना होगा। और मैंने जैसे बताया मोर्टार देवदार का होता था या पत्थर का होता था, लेकिन मुहल जिसको पैसल जिससे वो कूटते थे वो जो है वो यूजुअली इसी से बना हुआ होता था। ठीक है, लेडल जो है लेडल इसी से बना करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कल को कि किचन यूटेंसिल्स के लिए सबसे किस ट्री को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, तो दैट इज़ फॉल्स विच हेजल या हतब जिसको कश्मीरी में कहा जाता है। नेक्स्ट इज ये अब उतना नहीं पाया जाता है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इन कश्मीर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द बबूल ट्री, बबूल ट्री जो है इसको कश्मीरी में किकरकुल कहते हैं, एंड ये इसका जो इसको एकाशिया ट्री भी कहते हैं, एंड इट्स ट्री जो कि एकाशिया निलोटिका फैमिली से बिलोंग करता है। इसके थॉर्न्स होते हैं, ये थॉर्नी होता है कश्मीर में, यू विल फाइंड ए थॉर्नी किकर ट्री। ठीक है, और ये इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइप्रस ट्री, साइप्रस जो है इसको सर्वकुल कश्मीरी में कहते हैं। इस तरह का एक पेड़ होता है जो ऑर्नामेंटल ट्री, ज़्यादातर अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा ऑर्नामेंटल ट्री है, ज़्यादातर आपको ये गार्डन्स में घर के लॉन्स में आपको ये सर्वकुल इसको फिर अच्छे से कटिंग वटिंग करके सजाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द साइप्रस ट्री, एक कॉनिफेरस ट्री है, एंड ये आपको गार्डन्स और पार्क्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट्स मलबरी ट्री, मलबरी ट्री जो है इसको कश्मीरी में तुलकुल कहते हैं। तुलकुल, ये जो मलबरी ट्री है ये आपने देखा होगा इस पे बेरीज होती है, मलबरी जो खाते भी हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है इट्स फॉर द सिल्क वर्म्स। अगर आपको बता हुआ सिल्क इंडस्ट्री में सेरिकल्चर में इसके जो पत्ते होते हैं उन्हीं पत्तों को खा के सिल्क वर्म्स जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करती है, एक प्रोटेक्टेड ट्री है। अगर आपको बता हुआ बहुत सारी ट्रीज जो होते हैं उनको नहीं काट सकते आप, लाइक चनार है प्रोटेक्टेड ट्री, ऐसे एक मलबरी भी है ये प्रोटेक्टेड ट्री है। तो कश्मीरी पंडित्स यूज्ड ट्विग्स ऑफ मलबरी ट्री इन सम रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लगता है इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में हमें जाना, मे बी कल को कुछ पूछा जा सकता है इसमें से। यूजुअली ट्री इंपॉर्टेंट ट्रीज में से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फॉरेस्ट एरिया पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट है वो पूछा जा सकता है। नाउ विल मोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, वेटलैंड्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वंस अगेन, इसमें भी शायद कहीं कहीं पर आप बोलोगे कि सर मैंने तो यहाँ पढ़ा था ये, वहाँ पे पढ़ा था ये, कितने नेशनल पार्क है वहाँ 14 लिखा है, 5 लिखा है कहीं पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सर मैंने तो पढ़ा था 15 है, मैंने पढ़ा 13 है, या सर ये वाली तो थी नहीं वहाँ, ये कहाँ से आई। लेट मी टेल यू, यहाँ पे भी जो मैं सोर्स आपको रेफर करूँगा, जहाँ
कहाँ से मैंने ये लाया है, ये सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं यानी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, मोस्टली फ्रॉम जो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक निकाला था, एक छोटा सा ब्रॉशर निकाला था, वो भी एज पर उन्होंने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ही बनाया था, वहाँ से मैंने लिया है। तो दिस इज़ द ऑफिशियल डेटा, इस पर आप रिलाई कर सकते हो। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स की बात करें, अगर आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो मैंने फॉरेस्ट की बात की, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लाइक वहाँ पे कुछ ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, यू कांट लाइक गो आउट देयर एंड वहाँ पे आप लाइक पेड़ नहीं काट सकते, वहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप लाइक ग्रेजिंग नहीं कर सकते। तो कुछ एरियाज होते हैं जिनमें नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ का अगर आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व, इनका अगर आपको डिफरेंस समझना है, तो अब मेरी एक एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी नाम की एक वीडियो है जो 2.5 घंटे की है, उसमें मैंने बीच में एक जगह पर जहाँ पे मैंने डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है मंगदीश, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। वाइल्ड लाइफ वीक जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये नंबर आपको नहीं पूछे जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने एनिमल स्पीशीज़ है, कितने मैमल स्पीशीज़ है, कितने बर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि 4900 स्क्वायर किलोमीटर्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको याद रखना है, 4900 स्क्वायर किलोमीटर्स प्रोटेक्टेड नेटवर्क एरिया नेटवर्क में आते हैं, जो कि रफली 12% के आसपास जम्मू एंड कश्मीर यूटी का आता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क्स कितने हैं, 4 हैं, लद्दाख में 1 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 14 है, लद्दाख में 2 है, कंजर्वेशन रिजर्व 16 है, 3 है लद्दाख में, वाइल्ड वेटलैंड रिजर्व्स 14 है, 2 है लद्दाख में, और रामसर साइट्स 5 है जम्मू कश्मीर, 2 है लद्दाख में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन रिजर्व्स और वेटलैंड रिजर्व्स को कभी कभी एक साथ भी रखा जाता है, तो ये रफली 30 बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क 4 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14 है, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन रिजर्व 16 है और वेटलैंड रिजर्व 14 है, 5 जिनमें से रामसर साइट्स हैं। ये नंबर, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आते हैं नेशनल पार्क्स पे। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें, मैंने बोला टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स हैं, 1 लद्दाख में है, टोटल 5 बनती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना वो 4 हैं। नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बारामूला में काजीनाग नेशनल पार्क है, याद रखना है, सिंपल है। दूसरा है दैट इज श्रीनगर में आपको सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरी वाली है, और श्रीनगर और पुलवामा दोनों में आती है एक दैट इज दाशीगाम नेशनल पार्क, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये तो सिर्फ श्रीनगर में है, लेकिन जहाँ से मैंने डेटा लिया है उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट सोर्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उन्होंने लिखा है वहाँ पे पुलवामा श्रीनगर, यानी दोनों, यानी जो ये दाशीगाम नेशनल पार्क है उसका कुछ हिस्सा श्रीनगर में आता है, कुछ हिस्सा पुलवामा में आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बॉर्डर पे रखा, ये पुलवामा में नहीं है, ये श्रीनगर और पुलवामा दोनों में आता है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क ये होली एंड सोली श्रीनगर के अंदर है, एंड थर्ड फोर्थ वन इज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिंपल है, 4 नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये तो पता ही है किश्तवाड़ में है, काजीनाग याद रखना बारामूला में है, सलीम अली श्रीनगर में है, और दाशीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर और पुलवामा में है, और यहाँ पे आपको लेह में हिमिस नेशनल पार्क देखने को मिलती है, लद्दाख में 1 नेशनल पार्क है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर 4 है, लद्दाख में 1 है। मूविंग ऑन, नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो अगर हम पूछेंगे इंडिया में वी हैव 106 नेशनल पार्क्स, ठीक है, जो कि रफली 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास आता है। ये डेटा मैंने कहाँ से लिया, 106 नेशनल पार्क्स, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस सेंटर, नवंबर 2023 का ये डेटा है, ठीक है। अब जो मैंने नेशनल पार्क्स के बारे में बात की जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें मैंने बताया दाशीगाम नेशनल पार्क की श्रीनगर और पुलवामा में आता है, इसका जो एरिया है वो 141 स्क्वायर किलोमीटर्स है। सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको स्टी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये याद रखना, ये श्रीनगर में है एंड ये 8 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में है, इसका एरिया है 2100 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद वी है द काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये बारामूला में लाइक आता है, इसका है 89 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नेशनल पार्क, ठीक है, अब अगर यहाँ पर डेट पूछी जाए कि कब इसको नोटिफाई किया गया था, तो दाशीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क को 1981 में बनाया गया था, सलीम अली या सलीम अली नेशनल पार्क को 1992 में, और काजीनाग नेशनल पार्क को 2000 में नोटिफाई किया गया था, ठीक है। अब की स्पीशीज़ की बात करेंगे कि दाशीगाम नेशनल पार्क में कौन सा जानवर है जो सबसे फेमस है, तो ये आपको पता ही होगा, इट इज़ फेमस फॉर हांगुल, जिसको सर्वस हांगुलू भी, जिसका सर्वस हांगुलू साइंटिफिक नेम है, ये पूछा जा सकता है। सलीम अली नेशनल पार्क इसके अंदर पाई जाने वाली की स्पीशीज़ जो है वो हांगुल ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर 2 एनिमल्स हैं इंपॉर्टेंट, स्नो लेपर्ड एंड आइबेक्स। काजीनाग नेशनल पार्क के अंदर है वी हैव द वेस्टर्न ट्रैगोपन, ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
अब लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है? सिंपल है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, 2100 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे छोटी नेशनल पार्क, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो सलीम अली नेशनल पार्क है, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल है, कुछ समझने के लिए है नहीं, बस चीज़ें याद रखने के लिए जो आप याद रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वन बाई वन अब हम देखेंगे नेशनल पार्क्स को, ठीक है। विल स्टार्ट विद द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एक ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा। इसके अलावा इसका एरिया 2100 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो था स्नो लेपर्ड जो है, ये इसका जो IUCN स्टेटस है, IUCN रेड बुक के अंदर इसका स्टेटस है वल्नरेबल, ये पूछा जाता है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मेन एम जो था किश्तवाड़ नेशनल पार्क का वो था स्नो लेपर्ड्स को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, और उसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ये पार्क जो है इसके नॉर्थ में रिने रिवर आता है, इसके साउथ में किबर नाला आता है, और इसके ईस्ट में ग्रेट हिमालयस आता है, और इसके वेस्ट में मरवा रिवर आता है। ये नहीं पूछा जाएगा, अगर याद रखोगे तो इम्पॉर्टेंट है। नीचे इसमें आपको बहुत सारे कॉनिफेरस, अल्पाइन मीडोज और स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो है पर्शियन वॉलनट, हिमालयन सेडर, चिलगोजा पाइन एक्सेट्रा, ये नहीं पूछा जाता है। हर्ब्स इंपॉर्टेंट जो इसमें पाई जाती हैं ये भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसमें जो फौना पाया जाता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली लाइन को आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। इसमें जो इंपॉर्टेंट फौना यानी इंपॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें मस्क डेयर है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। हिमालयन बियर, ब्लैक बियर या हिमालयन ब्राउन बियर, ये दो डिफरेंट एनिमल्स हैं। इन दोनों का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। हांगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नाउ कहीं कहीं पे बुक्स पे यू माइट सी इसका जो है आपको शायद वल्नरेबल भी दिखा होगा, लेकिन वो आई गेस 2017 में शायद वो रिवाइज होके इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। तो ये IUCN रेड बुक से मैंने डेटा उठाया है जो कि ऑफिशियल डेटा है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल है, सैरो का वल्नरेबल है, और आइबेक्स का लीस्ट कंसर्न है। ये आपको जो IUCN स्टेटसेस है ये याद रखने हैं, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। एंड अगर हम इसमें बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं। अराउंड 50 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन द किश्तवाड़ नेशनल पार्क, लाइक द हिमालयन मोनल, बियर्डेड वल्चर, वाइट चीक्ड बुलबुल। इसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। अब इसमें जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो ये है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट, यानी कब नोटिफाई किया गया इसको एज ए नेशनल पार्क, कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एनिमल्स जो मैंने यहाँ बताए उनका IUCN स्टेटस ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वाली स्लाइड में से। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द दाशीगाम नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बताया वो श्रीनगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है, इन द जबरवन रेंज। ये आप याद रखना, जबरवन रेंज जो लाइक डल लेक के उस तरफ जो पहाड़ी आती है उसको जबरवन माउंटेनेज कहते हैं। इसका जो एरिया है वो रफली 140 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास आता है। इसको प्रोटेक्टेड एरिया 1910 में महाराजा ने बनाया था, लेकिन इसको नोटिफाई किया गया एज द नेशनल पार्क, इसको बनाया गया 1981 में, ये याद रखना। दोनों इसको और किश्तवाड़ नेशनल पार्क को 1981 में बनाया गया एज द नेशनल पार्क्स। मार्कर लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि इसमें लाइक करती है। इसके अलावा देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड श्रब्स फाउंड हियर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि कश्मीर में एक टर्म है नार करके, या जिसको साउथ वाले नार कहते हैं या साउथ वाले नार कहते हैं। नार बेसिकली कहते हैं, एक तो नार आग को कहते हैं, लेकिन ये नार है डीप गलीज जो होती है, कहीं पे अगर एक गली सी बन गई है कहीं पे, एक ज़मीन में आप देखते हो ना कहीं पे, जिसको नार कहते हैं, तो वो डीप गलीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अल्पाइन पास्चर्स भी आपको इस पार्क में देखने को मिलती हैं। इस नेशनल पार्क में आपको बहुत सारे फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन एनिमल है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें वो है हांगुल, जो कि यूटी एनिमल है जिसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं। इसके अलावा आपको हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, मस्क डियर, लंगूर, हिमालयन मैमट, जिस हिमालयन मैमट का जो लीस्ट कंसर्न IUCN स्टैट्स है आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। बहुत सारे बर्ड स्पीशीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द सलीम अली नेशनल पार्क। ये श्रीनगर के अंदर आती है, ये एक छोटी सी नेशनल पार्क है जिसका 9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसको पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता था, 1992 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया।
एंड इसका जो नाम है वो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड स्पेशलिस्ट जो होता है, जो कि एक्सपर्ट होता है बर्ड्स की स्टडी में, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और उनका नाम था मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली या मिस्टर सलीम अली, इन्हीं के नाम पे इसको सलीम अली नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। मैंग्रोव श्रबरी एक इम्पोर्टेंट श्रबरी इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है यानी प्लांट है जो पाए जाते हैं आपको इस पार्क में। इसमें आपको एंटलोप्स, जैकल, फ्लाइंग फॉक्स, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैकबर जैसे एनिमल्स मिल सकते हैं। इसमें रफली 70 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे बर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लाइक वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स लाइक रिंग डाउ, पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन स्नोकॉक, किंग फिशर और हिमालयन मोलल जैसे बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसका आपको एस्टैब्लिशमेंट डेट एंड इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ पूछा जा सकता है और शायद डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ द काजीनाग नेशनल पार्क। ये आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास देखने को मिलती है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस कारोकोरम पीस पार्क जो कि एस्टैब्लिश होनी थी। इसको मारखोर वाइल्ड गोट जो कि एक थ्रेटन्ड, जिसका IUCN स्टेटस थ्रेटन्ड है, मारखोर के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इस पार्क, ये पार्क जो है ये लिम्बर, लाचीपुरा और नागनारी कॉन्जर्वेशन रिजर्व में से बनाया गया है। इसके अलावा देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीशीज लाइक मारखोर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मस्टियर, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वायरल, लेपर्ड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी बटरफ्लाई स्पीशीज भी देखने को मिलती है लाइक रिगल, अपोलो, ब्राउन आगस, कॉमन रेड अपोलो एंड माउंटेन आगस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, मारखोर एनिमल ये याद रखना है एंड और भी नहीं, और मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट द हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, 3,350 स्क्वायर किलोमीटर्स की है। दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। 1981 में इसको भी नोटिफाई किया गया था स्नो लेपर्ड को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ पे इसको बनाया गया था। स्नो लेपर्ड का आपको IUCN स्टेटस याद रखना है, वो वल्नरेबल है। इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 3,300 से लेके 6,000 मीटर अबो सी लेवल पे लाई करता है। आपको वहाँ पे हेमिस मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है जो 400 ईयर ओल्ड एक मोनेस्ट्री है। इंदस और जंस्कार रिवर मीट करते हैं पार्क की बिल्कुल इस नेशनल पार्क की बाउंड्री पे। इस पार्क में आपको स्टॉक कांगरी माउंटेन पीक भी इसी के अंदर लाई करती है। जूनिपर्स एंड सब अल्पाइन ड्राई बर्च, पॉपुलर सेलिक्स फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बताया जूनिपर जैसे ट्रीज जो हैं ये आपको अल्पाइन फॉरेस्ट में जो कि कारोकरम माउंटेन रेंज और लद्दाख और जंस्कार माउंटेन रेंज में देखने को मिलते हैं। ये लद्दाखी उरियल जिसको शापू भी कहा जाता है उसका भी हैबिटेट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं उनमें स्नो लेपर्ड, एशियाटिक आइबेक्स, ब्लू शीप, बरल जिसको कहते हैं, वुल्फ, तिब्बतियन अर्गाली, तिब्बतियन वाइल्ड एस, इसका ना आपको IUCN स्टेटस याद रखना है, इट्स नियर थ्रेटन, जिसको कियांग भी कहते हैं, एंड हिमालयन मैरमट कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ पांच जो चार नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर की और एक लद्दाख की वो हमने कवर की। नाउ विल मूव ऑन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल 14 हैं इंडिया जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में और 2 है लद्दाख की यूटी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल 14 हैं जम्मू एंड कश्मीर में एंड 2 हैं आपके लद्दाख में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एंड आई होप कि ये आपको याद होगा। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो या लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अनंतनाग में है और सबसे छोटी जो है वो जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कठुआ में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे पास ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजपारण डकसुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों अनंतनाग में है। बारामूला में 3 है, गुलमर्ग, लिम्बर और लाचीपुरा। शोपियान में हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गांदरबल में थाजवास बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है। जम्मू में 2 हैं, रामनगर एंड नंदिनी। उधमपुर और सुरेंसर मानसर सेंचुरी जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करती है, उधमपुर, सांबा और जम्मू। इसका जो एरिया है वो 3 में लाई करता है, ये आपको याद रखना है। जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है। इसके अलावा बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नई एक 2019 में बनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कठुआ में है। एक और है टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पुंछ में है। ये टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इसका डेटा मैंने स्टेट जम्मू कश्मीर के स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिसेंटली जो उन्होंने एक्चुअली ये इन लाइन विद द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ ही उन्होंने कुछ ये अपलोड किया था
और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बाय द नेम ऑफ त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको शायद कहीं कहीं पे देखने को मिलेगी कि त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रियासी में हुआ करती थी। एंड आपको बहुत सारे आई नो वन ऑफ लाइक एक प्रोमिनेंट वेबसाइट है, उसने भी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा है एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट लेट मी टेल यू उसको डी नोटिफाई किया गया 2017 के अंदर। तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कहीं कहीं पे बुक पे भी पढ़ोगे वो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, उसको डी नोटिफाई किया गया है। अब जो है रिसेंटली यहाँ पे दो बनी और त्राल, इनको 2019 में बनाया गया था एज द टू न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर मैं ये जैसे मैंने बोला सबसे बड़ी ये एरिया अगर आप देखोगे सबसे बड़ी 425 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया ओवेरा आडू का है, और सबसे छोटी जो है वो मैंने बोला आपको वो कौन सी है, वो जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो कठुआ के अंदर लाई करती है। वो हियर आई यू कैन सी बारामूला में वी हैव द गुलमर्ग, लिम्बर और लाचीपुरा, ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। गांधरबल में थाजवास बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अनंतनाग में ओवेरा आडू और राजपारन डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुलवामा में त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुंछ में टोटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शोपियान में हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जम्मू में रामनगर और नंदनी है, सांबा यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सांबा दिखाया लेकिन ये एक्चुअली सांबा जम्मू और उधमपुर जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एक रामसर साइट भी है, ये लेक जो है वो रामसर साइट है। जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ के अंदर है, बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कठुआ के अंदर है, और लद्दाख में दो हैं छंगथांग और कारोकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, तो ये 14 हो गई जे एंड के में और लद्दाख में दो है। अब यहाँ पे आपको अगर लेक का पूछा जाए तो लेक सांबा भी कहता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी लिखा है कि जो सुरेंसर मानसर लेक है वो सांबा में है, और उधमपुर की जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है वो कहती है कि ये उधमपुर में है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता JKSB इस पर पूछता है कि मानसर सुरेंसर कहाँ है, बट आई थिंक सांबा उधमपुर यू कैन राइट बोथ, दोनों में से आपको जो भी सही लगे, इवन जम्मू कहीं कहीं पे जम्मू भी लिखा है। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है जिसमें मैंने बहुत लाइक डिग इन किया था। कॉन्जर्वेशन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब पता है कि ये तीनों में लाई करती है क्योंकि वो पूरा एरिया आता है, लेकिन लेक जो छोटी लेक है उसका एग्जैक्टली नहीं पता, उसका रामबन उधमपुर और सांबा दोनों आते हैं, कहीं कहीं पे सांबा लिखा है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्ट्रिक्ट की सांबा वाली सांबा की उसमें भी लिखा है कि ये सांबा में, उधमपुर की वेबसाइट उसमें लिखा है उधमपुर। तो अभी के लिए आप याद रखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे उस मानसर सुरेंसर की तो वो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो मैंने बताई बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें जो की स्पीशीज़ है वो हिमालयन ताहर है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कश्मीरी मस्क डेयर, हिरपोरा में मारखोर ये पूछा जा सकता है, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सांबर है। अब यहाँ पे बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नई बनी है तो इसका याद रखना है हिमालयन तहर, ठीक है। लाचीपोरा में मारखोर है, लिम्बर में हिमालयन ब्राउन बियर है, नंदनी में गोरल है, ओवेराडू में कश्मीर मस्क डेयर, राजपारण डक्सुम में कश्मीरी ग्रे लंगूर है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बार्किंग डियर है, टाटाकुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाटिक ब्लैक बियर है, थाजवास बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाटिक आईबैक्स है, और त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हांगुल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि स्पीशीज़ आपको याद रखनी है कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब हांगुल का साइंटिफिक नेम ये पूछा जा सकता है सर्वस हांगलू, ये इंपॉर्टेंट है, या मारखोर का पूछा जा सकता है इट्स कैप्रा फेल्कोनेरी। इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ पूछेंगे लेकिन मेन या कश्मीरी मास्क डियर का भी आप याद रख सकते हो इट्स मोस्कस क्यूप्रियस, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे कब इनको नोटिफाई किया गया था, नंदनी रामनगर सुरेंसर मानसर इनको 1981 में नोटिफाई किया गया था, बालतल थाजवास गुलमर्ग हेरपोरा जसरोता लाचीपुरा लिम्बर और ओवेराडू इनको 1987 में किया गया था, राजपारन या डक्सुम की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको 2002 में, टाटाकुटी को 2012 में, बनी और त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2019 में नोटिफाई किया गया था। डेट्स में मुझे लगता है कहीं पे अगर आपको डिस्क्रिपेंसी लगी कहीं पे कोई और डेट लिखा होगा, लेकिन ये वेबसाइट ये डेटा जो है ये मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है जो .nic.in यानी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से लिया है। द नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द मानसर सुरेंसर और सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है उधमपुर सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स में। ये
इसका जो एरिया है वो 98 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लेक की बात नहीं हो रही है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेक के आसपास का जो एरिया है वो भी आता है, इसलिए ये जो है ये तीनों में लाई करती है। इसमें दो लेक्स हैं, मानसर और सुरेंसर, जिनके जिसकी वजह से इसका नाम मानसर सुरेंसर रखा गया है, और इसको 1981 में नोटिफाई किया गया था। जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कोटवा डिस्ट्रिक्ट में है, ये अक्सर पूछा जाता है, ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर। उज किसकी ट्रिब्यूटरी है ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको बताना है। 1987 में इसको नोटिफाई किया गया एंड इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें आपको बहुत सारी बम्बू प्लांटेशन देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज द गोलमाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला में है, इसका एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये 1987 एस्टैब्लिश की गई थी और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ओवेराडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, 425 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जे एंड के यूटी के अंदर, इसको 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें आपको मस्क डेयर, हांगुल, एशियाटिक आईबेक्स, हिमालयन सरो, कॉमन लेपर्ड और ब्लैक बेयर और ब्राउन बेयर जैसे फौना देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इजिप्शियन वल्चर देखने को मिलती है, जो एक बर्ड स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड है। कश्मीर फ्लाई कैचर, इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यूरोपियन रोलर और टाइल्टर्स लीफ वॉबलर, ये बर्ड स्पीशीज़ ये दोनों नियर थ्रेटन्ड हैं, ये भी आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज द नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू में है, ऑन द नेशनल हाईवे 44, 1981 में एस्टैब्लिश की गई थी। डक्सुम या राजपारियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया, 2002 में इसको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर लद्दाख की बात करेंगे तो वी हैव टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दोनों लेह डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, चंगथांग और कारोकरम, जिसको नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। दोनों को 1987 में बनाया गया था, इसमें सबसे बड़ी जो है वो कारोकरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये डेटा लाया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना, ओवेराडू है, और लद्दाख के अंदर जो है वो कारोकरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कारोकरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको कारोकरम रेंज में लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है, ईस्टर्न साइड पर। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख के अंदर, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका रफली एरिया है। 1987 में नोटिफाई किया गया, और ये जो है इट्स वन ऑफ द फ्यू प्लेस इन इंडिया जहाँ पे आपको तिब्बतियन एंटलोप, जिसे चीरू कहा जाता है, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लेह डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, और ये इसमें आपको सो मोरूरी और पैंगोंग सो दोनों लेक्स जो हैं ये इसी चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं। चंगथांग प्लेन्स जो मैंने फिजियोग्राफी में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, जो ईस्टर्न साइड ऑफ द लद्दाख में आपको देखने को मिलता है, ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैली हुई है। 1987 में एस्टैब्लिश की गई। इंदस रिवर जो है वो इसी के थ्रू पास करती है और इसको दो में डिवाइड करती है। एंड दिस सेंचुरी इज मेनली जो है इसमें आपको तिब्बतियन वाइल्ड एस, जिसको कियांग कहा जाता है, वो आपको इसमें पाया जाता है। इसके अलावा बाकी भी आपको बहुत सारे फौना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स पे। कंजर्वेशन रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के कंजर्वेशन रिजर्व्स में वी हैव 16 कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14 है और कंजर्वेशन रिजर्व्स 16 है। फर्स्ट इसमें आपको अनंतनाग में एक ही है, अचेबल कंजर्वेशन रिजर्व है। पुलवामा में दो हैं, ख्रिव एंड खुनमो। श्रीनगर में दो है, ब्रायन निशात और खिम्बर, जिसको खिम्बर दारा शराजबल भी कहते हैं। गांधरबल में वी हैव द वांगट। बांडीपोरा में अजस कंजर्वेशन रिजर्व है। नगनारी बारामूला के अंदर है। उधमपुर में वी हैव द सुधामा देव कंजर्वेशन रिजर्व। जवाहर टनल जो रामबन में है, जवाहर टनल कंजर्वेशन रिजर्व। कठुआ में थियन कंजर्वेशन रिजर्व है। जम्मू में बाहू कंजर्वेशन रिजर्व है। रजौरी में वी हैव द शेषरा कंजर्वेशन रिजर्व। पुंछ के अंदर तीन हैं, खेरी, कुलियान और गंभीर मुगलन गोरल, जो रजौरी और पुंछ दोनों में लाई करती है। सबसे बड़ी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो सुधामा देव कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि उधमपुर में लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर इज द सुधामा देव कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उधमपुर में लाई करती है, जिसका एरिया 140 स्क्वायर किलोमीटर्स है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जम्मू में वी हैव द बाहू कॉन्जर्वेशन रिजर्व, बारामुल्ला में, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, ये बारामुल्ला में है। तो बारामुल्ला में वी हैव द नगरनारी कॉन्जर्वेशन रिजर्व, बांडीपुरा में अजस कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, गांधरबल में वांगठ कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, अनंतनाग में वी हैव द अच्छबल कॉन्जर्वेशन रिजर्व, पुलवामा में दो हैं, ख्रिव और खुनमो, पुंछ में वी हैव द खेरी एंड कुलियान, इसके अलावा रामबन में वी हैव द जवाहर टंग कॉन्जर्वेशन रिजर्व, उधमपुर में सुदामा देव कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, कठुआ में थियन कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, इसके अलावा यहाँ पे पुंछ और रजौरी में आपको देखने को मिलती है, और एक श्रीनगर में वी हैव द ब्रायन निषाद कॉन्जर्वेशन रिजर्व और खिम्बर दारा और शिराजबल कॉन्जर्वेशन रिजर्व, और पुंछ और रजौरी में आपको देखने को मिलती है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये लाई करती है, दैट इज़ द ये गंभीर मुगलियान गोरन कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। लद्दाख में अगर आप बात करोगे तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आती है बूद कार्बो कॉन्जर्वेशन रिजर्व, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है, और लेह डिस्ट्रिक्ट में तीन है, नूरीचैन, साबू और सोमुरी, ये तीन कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। तो टोटल कॉन्जर्वेशन रिजर्व चार हैं कहाँ पे, लद्दाख में, और 16 है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में। ये आपको याद रखने हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजौरी में वी हैव द शेषरा कॉन्जर्वेशन रिजर्व, टोटल 16 हो गए ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व। कॉन्जर्वेशन रिजर्व में की स्पीशीज़ की अगर बात करेंगे तो अच्छबल यूजुअली, ये बहुत रेयर है कि पूछा जाएगा, लेकिन मेन जो है वाइल्ड, जो मैंने आपको पढ़ाए, जो नेशनल पार्क्स पढ़ाए, नेशनल पार्क्स का जो मेन की स्पीशीज़ है वो आपको याद रखने हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ये पूछे जा सकते हैं। अच्छबल में वी हैव द बार्किंग डेयर, अजस में वी हैव द कश्मीरी मास्क डेयर, बाहू में वी हैव जैकाल, ब्रायन निषाद में हिमालयन सैरो है, गंभीर मुगलियान जो कि पूंछ में है वी हैव द गोरल, जवाहर टनल कॉन्जर्वेशन रिजर्व में चकोर, खेरी कॉन्जर्वेशन रिजर्व में एशियाटिक ब्लैक बियर, और खिम्बर दारा में भी एशियाटिक ब्लैक बियर, खुनमो में वी हैव कॉमन लेपर्ड, ख्रिव में एशियाटिक ब्लैक बियर, कुलियान में भी एशियाटिक ब्लैक बियर, नागनारी में मारखोर, शेषरा में कॉमन लेपर्ड, सुदामादेव में कॉमन लेपर्ड, थियन में बार्किंग डियर, और वांगथ कॉन्जर्वेशन रिजर्व में हांगुल है। ये इंपॉर्टेंट है, वांगथ कॉन्जर्वेशन रिजर्व में हांगुल है। अगर आपको याद हो मैंने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था, वहाँ मैंने त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताया था हांगुल है, और यहाँ पे वांगथ कॉन्जर्वेशन रिजर्व में आपका हांगुल है, जो कि लाइक करता है कहाँ पे, गांधरबल में। मूविंग ऑन, लद्दाख की जब बात करेंगे तो लद्दाख में कारगिल के अंदर बूद कार्बू कंजर्वेशन रिजर्व है एक, और तीन है लेह के अंदर, नूरीचैन, साबू और सोमोरेरी। सोमोरेरी लेक जो है ये रामसर साइड भी है। कंजर्वेशन रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एस्टैब्लिशमेंट, इनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट की अगर बात करेंगे तो 2008 में इन तीनों को किया गया था, जो ये जो पाँच है रादर, लद्दाख में रादर फाइव कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स हैं, इनमें आपको याद रखना है वी हैव द बूद कार्बू जो कारगिल में है, बाकी चार लेह में है, कांजी, नूरीचैन, इसके अलावा साबू और सोमोरेरी वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड्स रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो वेटलैंड रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल 14 वेटलैंड रिजर्व्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसमें वी हैव द होकेरा जो श्रीनगर बड़गाम दोनों में लाइक करता है, ये एक रामसर साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होकेरा रामसर साइट बड़गाम और श्रीनगर दोनों डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, और रिसेंटली 2022 के अंदर हाईगाम और शालबुग, इन दो वेटलैंड रिजर्व्स को रामसर साइट का स्टेटस दिया गया। हाईगाम जो है वो बारामुल्ला में है, और शालबुग जो है वो गांधरबल में है। मिरगुंड ये इंपॉर्टेंट है, ये बारामुल्ला में है, मलगाम बांडीपुरा में है, पुलवामा में चार हैं, वी हैव द छतलाम, मणिबुग, क्रांचू और फ्रेशकोरी, ये चारों जो है ये पुलवामा के अंदर है। जम्मू में वी हैव थ्री, वी हैव गरना, फरगवाल और कुकेरियाँ, सांबा में नंगा है, और जम्मू के अंदर और एक भी है जिसका नाम है संग्राल असाचक वेटलैंड रिजर्व। इसमें ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो होकेरा, मिरगुंड, हाईगाम, शालबुग, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, मलगाम जो है बांडीपुरा में है, छतलाम, मणिपुर, क्रांचू, फ्रेशकुरी, ये कहाँ पे है, ये पुलवामा के अंदर है, ये भी पूछी जा सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ी जो है इनमें से वो फरगवाल वेटलैंड रिजर्व है जो किलाई करती है जम्मू के अंदर। तो यहाँ जम्मू में हमने देखा वी हैव द घरना वाइल्ड लाइफ वेटलैंड रिजर्व, फरगवाल, कुकेरिया और संग्राल असचक वाइल्ड वेटलैंड रिजर्व। बारामूला में वी हैव द मिरगुंड एंड हाईगाम, हाईगाम जो है ये रामसर साइट है। गांधरबल में शालबुग वेटलैंड रिजर्व है जो कि रामसर साइट है। पुलवामा में छतलाम, मणिपुर, क्रांचू और फ्रेशकुरी है। इसके अलावा हमने देखा सांबा में नांगा वेटलैंड रिजर्व है।
इसके अलावा हमने देखा होकेरा, यहाँ पे के होना चाहिए, होकेरा श्रीनगर और बड़गाम दोनों में है एंड इसका ये बॉर्डर पे यहाँ लाई करती है एंड ये रामसर साइट है। इसके अलावा हमने देखा लेह के अंदर वी हैव लद्दाख के अंदर दो वेटलैंड रिजर्व्स हैं, सोकर एंड सोमोरूरी। वेटलैंड रिजर्व का मैंने जब बोला तो यहाँ पे इनके 21 स्पीशीज़ की अगर बात करेंगे तो पूछा जो जा सकता है वो मेरे हिसाब से होकर सर और शालबुक जो है ये पूछे जा सकते हैं, तो इनके आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली जो है आइडेंटिफाई हुए थे। होकर सर में वी हैव द ग्रे लैग गूस और शालबुग में वी हैव द नॉर्दर्न पिनटेल। फिर भी छतलाम मलाड है, ये बर्ड स्पीशीज़ है जो जिनके लिए ये बनाई गई थी। नॉर्दर्न पिनटेल ये फ्रेशकुरी वेटलैंड रिजर्व की मेन स्पीशीज़ है। गराना में वी हैव द बार हेडेड गूस, हाईगाम में भी वी हैव मलाड, होकर सर में मैंने बोला वी हैव ग्रे लैग गूस, क्रांचू में वी हैव कॉमन स्वालो, इसके अलावा कुकेरिया में वी हैव पॉन्ड हेरॉन, मलगाम वेटलैंड रिजर्व में वी हैव द रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, मनीगाम में वी हैव द कॉमन पोचर्ड, मीरगुंड में वी हैव द गढ़वाल, नांगा में वी हैव कैटलैगेट, फर्गवाल में वी हैव द कोरमोरेंट एंड इसके अलावा जो संग्राल ऐसा चेक है वी हैव द ग्रे पार्ट्रिज। इसमें से मुझे नहीं लगता जो क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड है, फिर भी इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, बट एग्जाम जे के एस बी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना कि कौन कौन सी कहाँ पे लाई करती है वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। रामसर साइट्स की अगर बात करेंगे तो रामसर कॉन्वेंशन के बारे में मैंने पढ़ाया है एनवायरमेंट वाली वीडियो में, तो रामसर साइट्स टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 5 है। होकेरा जिसको 2000 सबसे पुरानी जो है वो वुलर लेक है, वुलर लेक जो बांडीपुरा में लाई करती है उसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था एज द रामसर साइट। फिर उसके बाद 2005 में सुरेंद्र मानसर जो सांबोदमपुर में लाई करती है और 2005 में ही होकेरा वेटलैंड को भी डिक्लेयर किया गया था एज द वेटलैंड रिजर्व जो श्रीनगर और बड़गाम में लाई करते हैं। हाईगाम बारामूला में है और शालबुग जो है वो गांधरबल में है, इन दोनों को 2022 में डिक्लेयर किया गया था एज द वेटलैंड एज द रामसर वेटलैंड रिजर्व्स। इनके आपको याद रखने हैं हाईगाम कहाँ है बारामूला में और शालबुग कहाँ है गांधरबल में। क्वेश्चन मेनली इसी पे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है और रामसर साइट्स कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। होकेरा, हाईगाम, शालबुग, सुरेंसर और वुलर लेक, ठीक है। लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो वुलर है, 189 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। स्मॉलेस्ट जो है रामसर साइट वो मानसर सुरेंसर जो है जिसका 3.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लद्दाख के अंदर बात करेंगे तो लद्दाख के अंदर जो रामसर साइट्स हैं वी हैव द सोकर एंड सोमोरूरी, ये दोनों जो है सोकर को 2022 में और सोमोरूरी को 2020 में और सोमोरूरी को 2002 में वेटलैंड रिजर्व रामसर वेटलैंड रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तो ये दोनों जो है सोकर एंड सोमोरूरी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट फिर भी जो पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, केएएस के लिए, उनके लिए ये मे बी इसमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2010, जम्मू एंड कश्मीर 2010 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, फॉर रिहैबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड क्रिएटिंग मूवमेंट फॉर हेल्दी फॉरेस्ट इन द स्टेट। अभी स्टेट हुआ करती थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे लाइक टू प्रिजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट, रेस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यूज इंटीग्रेटेड वाटरशेप मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टू डेवलप फॉरेस्ट फ्रिंज बेल्ट इनटू हाई प्रोडक्शन ट्री स्ट्रिप्स। ये जे के सी पी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 में जो है पास की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 1883 में बनाया गया था। एक्चुअली जब प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी 1895 में फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 को इशू किया गया था, एक बेसिकली तब भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1895 के अंदर। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे लाइक टू प्रोटेक्ट कंजर्व एंड डेवलप फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, एक्सपैंड द फॉरेस्ट्री कवर इन स्टेट, कंडक्ट एंड मॉनिटर द पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड हर साल अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है यहाँ पे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एम्स हैं जो एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएससी वाले अगर पढ़ना चाहेंगे तो यू कैन रीड द मेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में जो है पास किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर जो है ये बेसिकली पहले हुआ करता था जे एंड के गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942 में पास किया गया था। गेम क्या है? गेम बेसिकली कहा जाता था
कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को जो हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हंट किया जाता था उनको गेम कहा जाता था, तो उन्हीं के लिए ये गेम रिजर्व्स बनाए गए थे जिनको गेम रिजर्व एरियाज या गेम रिजर्व्स कहा जाता था या गेम सेंचुरीज कहा जाता था। तो उससे तो उसी उसी तो जो ग्रेम गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942 है, इसके बाद फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1978 में जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था ऑन द लाइन ऑफ जो ऑलरेडी गेम प्रिजर्वेशन एक्ट था उसके उसी के ऊपर ये एक्ट लाया गया था। इसको 78 में जो है पास किया गया था, 2002 में फिर इसको अमेंड किया गया था एंड इट वॉज क्राफ्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे ये है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पास होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 को रिपील किया गया एंड इसकी जगह पे अब जो सेंट्रल एक्ट है जो इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 जो एक्ट जो काम करता है उसी को अब वो एप्लीकेबल बनाया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 हैज़ बीन रिपील्ड, अब जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ही प्रोविजन जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद भी है तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कोऑपरेशन, ये एक जो है ये एक स्टैचुरी कोऑपरेशन है जिसको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेशन एक्ट 1978 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग है, बेसिकली गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट के अंदर जो टिम्बर है पेड़ों को काटने के और वहाँ से लकड़ी निकालने के लिए ये एक कोऑपरेशन बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द JKSSB एग्जामिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करेंगे फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि स्नो लेपर्ड जो है इसका जो IUCN स्टेट्स है वो वल्नरेबल है। अगर आपको पता होगा जो IUCN रेड बुक है उसमें एनिमल्स और प्लांट्स को एक स्टेटस दिया जाता है, जैसे एनी का मतलब होता है नॉट इवेल्युएटेड, मतलब अभी इसका पता नहीं है, इसको एवेलुएट नहीं किया गया। डेटा डेफिशिएंट, DD का मतलब डेटा डेफिशिएंट, मतलब जिसका जिसका भी डेटा ही नहीं है, कमी है डेटा की। लीस्ट कंसर्न मतलब उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी, उनको उतनी टेंशन उस स्पीशीज को उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। नियर थ्रेटन मतलब इनको खतरा है। वल्नरेबल इसका मतलब वल्नरेबल थोड़ी सीवियर है नियर थ्रेटन से, इसका मतलब है इनको खतरा है। एंडेंजर्ड का मतलब है दे आर लाइक इनको बहुत खतरा है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लाइक इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है लाइक इनकी पॉपुलेशन कितनी होनी है वो आपको नहीं पढ़ना है। एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फाइनल होता है एक्सटिंक्ट जब कोई स्पीशीज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये कुछ आपको ऑलरेडी पता होगी। तो स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च किया था इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। 2009 आप याद रखना, इसका मकसद था स्नो लेपर्ड के हैबिटेट्स और उसकी पॉपुलेशन को बचाना। एंड ये जो है मेनली ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर ही था, लाइक मेन इसका जो फोकस था वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर ही था, जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, बिकॉज मोस्टली आपको स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन हेमिस नेशनल पार्क में, जिसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पे मोस्टली इसकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। प्रोजेक्ट हांगुल और एक इनिशिएटिव था। हांगुल का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है। इसको भी 1970s में जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ IUCN एंड WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनिमल स्पीशीज जो है हांगुल शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके भी शेड्यूल वन में ही ये लाई करता था एंड इसी को बचाने के लिए श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पे शिकारगाह जो है ओपन किया गया था, एक जो कि कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर था इनके लिए, बट वो नॉन ऑपरेटिव है आज की डेट में। मारखोर रिकवरी प्रोग्राम अंडर कैंपा, इसमें मारखोर का जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। प्रोग्राम को 2009 में लॉन्च किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के, इसको फॉर्मुलेट किया गया था हेरपोरा, शुपेन, लाचीपुरा, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारामूला और काजीनाग नेशनल पार्क, इन जगहों पर इसको फॉर्मुलेट किया गया था। एंड मारखोर जो है ये एक वाइल्ड गोट होती है जो कि नेशनल एनिमल भी है, पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है, इसी को बचाने के लिए मारखोर रिकवरी प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था। पीर पंजाल मारखोर जो है लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है
वर्ल्ड की, जो कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में लाइक करती है। एंड इसके अलावा शेड्यूल वन में ये है, यू विल सी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो शेड्यूल वन में ही थे जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल वन में ये लाइक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके आपको IUCN स्टेटस याद रखने हैं। यहाँ पे वी हैव द कश्मीरी ग्रे लंगूर, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। हिमालयन मस्क डियर एंड कश्मीर मस्क डियर, ये दोनों मस्क डियर का एंडेंजर्ड है। जो हांगुल है, हांगुल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हांगुल का आपको याद रखना है और मस्क डियर का भी आपको याद रखना है। मस्क का एंडेंजर्ड है, लेकिन जो हांगुल या रेड डियर है इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड याक, टिबेटियन एंटलोप, ये लद्दाख में है तो इतना पूछेंगे नहीं। सांबर का आपको याद रखना है, ये वल्नरेबल है। टिबेटियन गेजल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मारखोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एंटी मतलब नियर थ्रेटेंड है। हिमालयन तहर, उरियल, हिमालयन ग्रे गोरल, हिमालयन सैरो, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड का इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये वल्नरेबल है। एशियाटिक ब्लैक बियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वल्नरेबल है। इसके अलावा वी हैव द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसका वल्नरेबल है। कश्मीरी फ्लाई कैचर, इसका भी वल्नरेबल है। और इसके अलावा एक फिश है जिसका नाम है गोल्डन मशीर, जिसका एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड। लास्ट में शायद मैं फास्ट थोड़ा सा गया, इसकी PDF आपको EACT क्लासेस की टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगी। आई होप कि आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद दिस। एक लंबा लेक्चर हो गया, अगर आपने ये पूरा देखा तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।